आज हम भदरवाह के पूर्व विधायक दलीप सिंह परिहार साहब से यहां पे डाक बंगलों में भेंट वार्ता करने के लिए यहां पे आए थे। सबसे पहले मैं दलीप सिंह परिहार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और इनको बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी के लिए इनके जो प्रयास थे उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं और जिसका रिजल्ट यह है कि कई महत्वपूर्ण जो सड़कें भदरवाह के विकास के लिए जो अनिवार्य थी, जिनमें भदरवाह जाई गुंदो रोड, छतरगला के टनल की बात हो या डेवलपमेंट ऑफ भदरवाह चंबा रोड या शरेखी से कतारी के लिए लिंक रोड और बाकी जो लिंक अनकनेक्टेड एरियाज थे उनको कनेक्ट करने के लिए अनथक प्रयास दलीप सिंह परिहार जी कर रहे हैं, जिसके लिए हम भदरवाह की सिविल सोसाइटी की तरफ से और आम नागरिक जो भदरवाह के हैं उनकी तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं और परिहार साहब बधाई के पात्र भी हैं। और मैं रिकॉल करना चाहता हूं कि जब 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी मुख्यमंत्री थी और एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि भदरवाह को जिला दिया जाए, परिहार साहब ने तब एक स्टेप लेते हुए हमें भी तब की मुख्यमंत्री के पास लिया था और मुझे भी सौभाग्य मिला था महबूबा मुफ्ती के पास मिलने का। और इनकी कोशिशों से और इनके प्रयासों से भदरवाह को एडीसी का कार्यालय जो है वो यहां पे मिला था, जिसके लिए हमारे पास वो शब्द नहीं है जिन शब्दों से हम इनका धन्यवाद करें। और एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड साथ में भदरवाह जाई गुंदो की थी, उसको भी इन्होंने अपने एफर्ट से फॉरेस्ट क्लियरेंस लाके उसको पूरा करवाया ताकि गुंदो भलेसा के जो हमारे रिलेशन है पुराने उनको बहाल किया जाए। और आगे भी जिस तरीके से पदरी से लेके बहाल पदरी की सड़क और मंथला से कनेक्ट करते हुए जाए की तरफ सड़क जो है बनने जा रही है, वो भी एक हमारे लिए एक यू टर्न होगा हमारी भदरवाह की डेवलपमेंट के लिए और काफी विकास यहां पे होगा। अब हम इसलिए आज परिहार साहब से यहां पे मिले डाक बंगलो भदरवाह के इस प्रांगण में कि इनसे मांग की जाए जो एस्पिरेशन है। हम जानते हैं कि ये इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, लेकिन हम और इनसे आग्रह करेंगे और मांग करेंगे कि भदरवाह के जिले की जो हमारी यहाँ की मांग है, क्योंकि किसी तरह के कोई भी फाइनेंशियल चैलेंजेस भदरवाह डिस्ट्रिक्ट की डिमांड में नहीं है और इन्होंने हमसे वादा भी किया है कि भदरवाह को एक जिला दिलवाया जाएगा, जिसके लिए डिजर्व करते हैं। और हम मांग करते हैं कि भदरवाह डिस्ट्रिक्ट के साथ जहां बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रखा जाए, वहीं भदरवाह की जिला के साथ बनी और बसोली को भी जोड़ा जाए, क्योंकि टनल का निर्माण का कार्य हो रहा है। और हमारे एएनएम का स्कूल जो कि इसी मोदी सरकार ने दिया और उसमें दिलीप सिंह परिहार जी का भी योगदान रहा, लेकिन अब उसमें क्लासेस को कमनेंस नहीं किया जा रहा है, एडमिशन प्रोसेस को कमनेंस नहीं किया जा रहा है। हम परिहार जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको भी जो यूटी सरकार है उससे उठाया जाए। और भी कई इश्यूज हमारे यहाँ पे हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे डिमांड है कि भदरवाह में फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का यहाँ पे गठन किया जाए, विश्वविद्यालय का गठन किया जाए, जिसमें पूरे चिनाब घाटी के अर्स्टवाइल जो माउंटेन डिस्ट्रिक्ट है वहां के छात्र आकर यहाँ पे पढ़े और भदरवाह के साथ यहाँ के साथ लगते हुए जो एरिया बनी का एरिया है, बसोली का है, वहां के छात्र भी आए और तमाम माउंटेन अर्श वाले सिडोड़ा के कॉलेज को इसके साथ एफिलेटेड किया जाए। और हम एक बार फिर आपकी जो कोशिशें हैं, आपके जो प्रयास हैं उनको हम सराहते हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, जब आपसे विधायक जब से बने आपने सबको साथ लेने का, हम इसलिए आपके जो है आपके शुभचिंतक हैं, आप सबको साथ लेकर विकास की बात करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव, अमीर भी आपके लिए वैसा है, गरीब भी आपके लिए वैसा है। और हम ये समझते हैं भदरवाह के लोग कि आपके रहते हुए ही भदरवाह में फुलफ्लैज यूनिवर्सिटी मिलेगी, भदरवाह में भदरवाह को जिला मिलेगा, भदरवाह चंबा बनी रोड की जो हमारी डेवलपमेंट की मांग है वो होगी, छतरगला का टनल बनेगा, गंडोला की बात है और खासकर चिंता भाड़ला का एरिया है, अटखार का इतना बड़ा एरिया है। और अब समय आ गया है कि वहां पे भी तहसीलदार और ब्लॉक बनाए जाएं और भदरवाह म्युनिसिपल लिमिट्स को जो है बढ़ाया जाए, हम ये आपसे अपेक्षा करेंगे। और इसी सिलसिले में हम आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आए थे और अब हम चाहेंगे कि आप भी जो भदरवाह की जनता है
उनको अपना संदेश दें कि आगे के लिए फर्दर आपकी तरफ से क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए। मलिक साहब आपका शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि सारे देश में सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास लेके एक नारा जो दिया है उसके तहत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर लीडर्स काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने इतनी योजनाएं शुरू की हैं, इतने सारे देश में प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, और आपने देखा कि भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, मैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। 2014 से पहले भद्रवाह क्या था, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा चराला आता है, भाला आता है, भद्रवाह आता है, भलेसा आता है, तब क्या था, तब 36 दिन लगते थे सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को चलने में, और आज 2023 में सिर्फ 3 दिन जो हैं, 3 दिन में हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी घूमते हैं। आज सड़कों का जाल जो बिछा है, आज पानी की कोई कमी नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है, और एक वादा किया था हमने आपके साथ, तब आपको मलिक साहब मैंने साथ लिया था, महबूबा मुफ्ती जी के पास हम गए थे और हमने कहा था कि हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए, लेकिन जब तक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तब तक हमें एडिशनल डीसी जो है भद्रवाह में बैठना चाहिए, उसको हमने यहाँ बैठाया। और अब एक वादा अब हमने आपके साथ किया है, वो उसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देना है, और 2-4 काम अभी और अड़के हैं, जैसे छतरगला जो टनल है बसोली से डोडा 4 लेन का काम जो है उसका, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ऑफ इंडिया, इन्होंने एक लेटर ये निकाला है, इसमें लिखा है इन्होंने कि इसकी जल्दी से जल्दी DPR जो है वो बनाई जा रही है। और भद्रवाह चंबा नेशनल हाईवे हम चाहते हैं कि पीछे क्या कहते हैं ये जो थनाला जो जिन्हें जिग है वो जिग खत्म करके थनाला के पास एक टनल बनाया जाए, जिससे कि चंबा और भद्रवाह के बहुत नज़दीकी हमारी और बढ़ेगी, और हमारी जितने भी टूरिस्ट जो डलहौजी में आते हैं वो भद्रवाह में आए, तो इसलिए इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। जल्दी ही मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक तो वो 4 तारीख को लेवेंडर का फेस्टिवल है यहाँ पे भद्रवाह में, उनका उस फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं, और साथ में मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में, ख्वा वो भलेसा है, ख्वा चराला है, ख्वा भाला है, ख्वा भद्रवाह है, जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं और आगे भी वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। और ये जो टनल का काम है जितना जल्दी हो सकेगा इसकी DPR बनेगी, और ये थनाला वाला टनल जो है नेशनल हाईवे भद्रवाह से चंबा जितना जल्दी हो सकेगा इसकी DPR बनेगी और इसका काम जो है जल्दी शुरू होगा। हमारे ये एक रोड नेशनल हाईवे है ठाठरी से तीसा कहलजुगासर मंकन चुचूल, वो उसमें अभी पैदल चलने में कहलजुगासर से हिमाचल के लिए 2.5 घंटे लगते हैं, और जब वो नेशनल हाईवे बन जाएगी तो उसको सिर्फ 5 मिनट में हम पहाड़ी जो है क्रॉस करेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं डॉक्टर जितेंद्र जी ने यहाँ पे शुरू करवाए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। इसके अलावा स्टेडियम का हमने वादा किया है कि यूनिवर्सिटी में एक स्टेडियम बने, और वो स्टेडियम ऐसा नहीं हो, बहुत अच्छा स्टेडियम हो, जैसे रेत कांगड़ा में वो स्टेडियम है उससे भी अच्छा स्टेडियम हम यहाँ बनवाना चाहते हैं, वो यहाँ बनेगा। इसके अलावा गुंडोला प्रोजेक्ट जो है 375 करोड़ का है, उसको भी सेंक्शन हुआ है, वो भी सेंक्शन हो गया है, उसके टेंडर भी हो गए हैं, तो ये सारे काम जो है आस्ता आस्ता हो जाएंगे। मैं मलिक साहब से वादा करता हूँ कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी बनेगा, यहाँ गुंडोला भी बनेगा, और यहाँ हमारी ये छत्रकला टनल भी बनेगा, थनाला वाला टनल भी बनेगा, और भलेसा वाला टनल भी बनेगा, ये सारा काम होगा। इसके अलावा बहुत सारे काम यहाँ हुए हैं, वो आपके सामने वो आपने खुद गिने, और अगर मैं गिनने बैठूंगा कम से कम 2 दिन यहाँ लगते हैं। मैं एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बड़ी पेन ले रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जिस आज भद्रवाह जो है पहले नंबर पर, मैं कहता हूँ स्टेट में जो है सड़कों का जाल जो बिछा है पहला नंबर है, पानी का जाल जो बिछा है पहला नंबर है, और अपने बिजली की
बिजली जो है ट्रांसफार्म है, लोहे के पोल है, पहला नंबर हमारा है, और आगे भी जो और भी काम होंगे उसको भी हम पहले नंबर पे ही लेंगे। मैं इन्हीं अल्फाजों से मलक साहब से रुख्सत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।